हमारे सामने तो भाई इस ट्रिप की पहली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। देखो बाहर टेम्परेचर पहुंच गया 2 डिग्री, हालत बुरी है, बहुत ठंड है, जम गए हैं हाथ। वेदर रिपोर्ट चेक करी भाई तो -6। गुड मॉर्निंग भैया, हाल है देखो यहाँ पे अम्बाला का सब सामान बिखरा पड़ा है, सेफ बुखरा हाल। और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे स्नो चैन मिल जाए तब हम जाके निकले आगे। और हाल तो भाई पूछो मतलब नहाएंगे धोएंगे तब निकलेंगे, वेट कर रहे हैं। तब तक हम 11 बजे के आसपास ट्रेन आएगी, उसमें से हम भाई का सामान उनसे एक्सचेंज करेंगे सामान और फिर आगे निकलेंगे। और क्या ही कहें, परेशान हो गए मतलब। अल्टीमेटली हम 3 घंटा लेट है, 8 बजे अगर स्नो चैन नहीं भूले होते तो हम 8 बजे निकल जाते हैं यहाँ से हाँ लोगे, और अब तक यहीं आगे पहुँच चुके होते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको पड़ेगा दिल्ली के एंड, और राइट साइड जाओगे तो दिल्ली सिटी। ओ सॉरी, दिल्ली कहाँ याद आ रहा है, अम्बाला भाई, तो दिल्ली में नहीं है, अम्बाला में हो। दिस इज द होटल जहाँ पे भी हमने स्टे किया था और अब निकल रहे हैं वापस। होली होली गिद्धे भी चन्ना चुपाते लोनी तेरा नकना मरोड़ा खा जावे। बोला शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। चलो पाजी अब देखो भाई हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन यहाँ पे, ये अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन है भाई, ठीक है। और देखो भाई साहब देख रहे हो पूरा का पूरा भाई, तो बड़ी मालगाड़ी आ रही है पूरी भाई, पटड़ियाँ ऐसे पटड़ियाँ, ये देखो पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 7 यही होगा सर, इस साइड ही होगा प्लेटफॉर्म पे, गेट पे है। दारजी को गुस्सा आ गया, कहाँ घुसू के जाके सरदारजी गुस्सा आ गया, अभी इज्जत ही नहीं मैं खड़ा हूँ तो। और कल के 2 बजे निकला था, 2:30 बजे ऑफिस से निकला, उसके बाद जाके आप जाके पहली बार पहाड़ के दर्शन हुए हैं बिकॉज रास्ते में स्नो चैन भूलने के बाद और 10 लोगों को परेशान करने के बाद आप जाके चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। नारा बहुत अच्छा लगता है, नारा बहुत अच्छा मिला सोलन पे, सोलन से मुड़ते ही सोलन सुबह। हम पहुंच गए हैं अभी चंडीगढ़ क्रॉस कर सोलन वाली रोड में, और ये एक ढाबा है, पंजाबी ढाबा है, पंजाबी तड़का एंड ऑल दैट, यहाँ पे करेंगे लंच वगैरह हम, कल निकलेंगे आगे। भाई चक्की लेकर आया, चक्की बहुत अच्छी है भाई की, चक्की आटा की चक्की है, बढ़िया दिखाऊं चक्की, मैंने पहली बार खाई चक्की भाई की, कितनी चक्की लाए देखो भाई, कहाँ गई आपकी चक्की, देखो ये बड़ी बड़ी है भाई चक्की, अच्छी है। हमारे यहाँ गज्जक बोलते हैं भाई से, गज्जक को चक्की बोलते हैं भाई। Finally reached to Solan. This Malodha Solan ya is tar bhi ho bhi nahi ho rahe par agla rasta jaise diversion aayega na ye 14 minute baad Kandi Ghat fir Tikha chadenge acha fir Tikha hi Tikha chadna badhiya meri jungle chhut jayega ye double road chhut jayegi badhiya wahi sahi hai chhut jayega chal 1 ghante mein pahunch jayenge chal to ट्रेन का अच्छा एक ट्रेन और जैसी भी साथ रख दिया, ये पैदा हो गया चल तो बिल्कुल चैल और कुफरी और साथ में कौन सी फागू, ये आसपास में इतना 10-15 किलोमीटर में रहे मेरे को इसके आसपास में फागू बड़ी जैसी जगह फागू
लेकिन भाई जैसे ही अम्बाला पहुंचने वाले थे ना, रास्ते में कोई डिस्कशन चल रहा था, दीपक भाई ने जिक्र किया स्नो चैन का, और भाई जैसे ही स्नो चैन का जिक्र किया भाई मेरे को ध्यान है मैं स्नो चैन तो भूल ही गया हूँ, और भाई जब स्नो चैन भूल गया तो आगे जाके करो क्या, बिकॉज हमें जाना है ऐसी जगह जो 101% स्नो चैन लगेगी ही लगेगी, बहुत बिकॉज बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होंगी जहाँ हम जा रहे हैं। अभी फुल विंटर स्पीति ट्रिप है भाई ये, फुल विंटर स्पीति ट्रिप जिसमें चितकुल भी जाएंगे और रक्षम भी जाएंगे, सांगला भी जाएंगे, मतलब और बहुत सारी जगह जाएंगे भाई सीरियसली, मतलब अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हालत ठीक होगी, जहाँ जाने लायक रोड होगी, जहाँ परमिशन होंगी और पता लगेगा वहाँ फंस नहीं जाएंगे, उन सब जगह जाएंगे हम लोग। लेकिन भाई उन सब जगह जाने के लिए स्नो चैन डेफिनेटली लगेगी, बिकॉज अभी इस टाइम पे भी -30, -25, -20 ये टेम्परेचर चल रहे हैं वहाँ पे, स्नोफॉल लगातार हो रही है। सो भाई वहाँ जाके पता लगा स्नो चैन नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम पहले तो ये था कि हम जाएंगे क्रॉस करेंगे सीधा, और हम जो क्रॉस करेंगे उसको ये चंडीगढ़, और उसके बाद जाके स्टे करेंगे ताकि ट्रैफिक निकल जाए। लेकिन वहाँ पे अगर हम स्टे कर ले निकल जाते तो भैया हमारी स्नो चैन नहीं आ पाती, तो हमने डिसाइड किया हम सब ने मिल के कि भैया हम रुकेंगे यहीं पे अम्बाला, और अम्बाला रुके किसी भाई को रात को जगाएंगे, बिकॉज इस टाइम ऑलरेडी 12 के आसपास का टाइम हो रहा था, 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, और अब 11:30 बजे किसी को उठाएंगे रात को। उसके बाद भाई उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई उठ जाओ, हमें आपके सहयोग की जरूरत है, और भाई काफ़ी लोगों ने मना कर दिया, बिकॉज देखो दैट इज़ पर्सनल कॉल, सबकी भी कौन सपोर्ट करना चाहता है कौन नहीं, काफ़ी लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ले दे के भाई एक जो एक दोस्त था उसको रिक्वेस्ट करी थी मैंने, कहा प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको टिकटें कराई ट्रेन की, उसको वो एक दोस्त को और लेकर आया साथ, ताकि के लिए डर लग रहा था उसको, बिल्कुल सीधा बनता है बेचारा वो, उससे किसी और को रिलेटिव को एक फ्रेंड था कोई, उसको तो उठाया उसने रात को, उसने भी उठाया। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा यार स्नो चैन वहाँ ड्रॉप कर दे गुड़गांव, वो जाके स्नो चैन ड्रॉप करके आया गुड़गांव, उसके बाद जाके उन लोगों की टैक्सी कराई, फिर वो ट्रेन में बैठे राजधानी में रात के, सुबह सुबह मैंने कहा 4 बजे की ट्रेन थी कोई, उसमें बैठे, उसमें बैठने के बाद वो लोग अम्बाला आए, अम्बाला पहुंची ट्रेन कुछ करीबन 10 बजे के आसपास, नहीं 9 बजे के आसपास, 8:30, 9 बजे के ट्रेन पहुंची। फिर हम लोगों ने भाई उनसे चैन ली, उनको थैंक यू बोला, वापसी की टिकट कराई उनकी, और उसके बाद भाई तब जाके हमारे सांस में सांस आए कि चलो ठीक है भाई अब आगे निकला जा सकता है, तब जाके हम आगे निकले, और भाई ले दे के मतलब अब जाके यहाँ पहुँचे हैं, और आगे जाके अब जैल में रास्ता ख़त्म होगा। लेकिन रास्ता देखो पहाड़ों में जैसे आप आते हैं ना वो वाइब्स डिफरेंट आती हैं, और जो एक अंदर से जो फीलिंग होती है ना, जिसको पहाड़ों में जाने का शौक है ना उसको पता लगेगा कि यार जैसे ही पहाड़ों को एंट्री करता हूँ, तो ये जो ये रोड आपको दिख रही है ना बिल्कुल पतली पतली सी, इनमें गाड़ी चलाने का भी मतलब एक अलग ही मजा है, बशर्ते कि आपको डर नहीं लगता हो पहाड़ों में, और आप एक मतलब दिमाग से गाड़ी चलाते हो, जोश में नहीं चलाते, तो यहाँ मजा आएगा भाई आपको गाड़ी चलाने में सीरियसली। नीचे ऊपर नीचे नीचे यार इधर छोड़ना नहीं, चाय लिख रहा है तो मुझे लगा था ऊपर चढ़ेंगे हम नीचे उतर रहे हैं। स्कॉर्पियो नहीं निकलेगी, चार बजे दोष नहीं पहुंचे अब तक, दोष नहीं सॉरी क्या है चेल दोष जोश से आ गए, ये नारकंडा तो अपन 5 बजे से पहले पहुंचने वाले भी नहीं थे एक्चुअली, मैं फाइनली चेल पहुंच गया, पहली बार आया हूं भाई के साथ पर ना जेवन भी पीछे ऊपर ही बोल रहा हूं कुछ तुम देख लो सुना मैंने भी नहीं करा ये साथ में आने ऊपर चल रहा है अश्वनी हां हां ऊपर चल कुफरी की तरफ।
क्योंकि कुछ 4:30 बजे तो करीब 3 घंटे मोटा मोटा लग जाएंगे 4 घंटा पहुंचने में, यानी 7:30 बज जाएंगे। उसके बाद आगे का प्रोग्राम क्या जाएगा विल सी। गिरफ चाहिए आवाज कैसे गूंज रही है, आवाज है ना कैसे गूंज रही है यहाँ पे, आवाज गूंज रही है। हाँ 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 यहाँ ऊंचा है, बढ़िया भाई। भाई साहब कुफरी में बर्फ मिल जाएगी अभी, अभी यहाँ पे चैल से जैसे ही हम ऊपर आए ना तो चाय पीने के लिए रुके, और चाय पीने के बाद सोचा चलो आगे चलते हैं नारकंडा की तरफ। कुछ भैया ने बताया कुफरी की तरफ जब जाएंगे तो कुफरी में बर्फ मिल सकती है और नारकंडा में भी मिलेगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 3 लोकेशन पड़ेंगे जहाँ में बर्फ मिल जाएंगे। एक तो पड़ेगा अभी कुफरी, उसके बाद अगर आप जाओगे तो क्या बोलते हैं इसको ये ना आपका ऊपर एक जगह फागु और फिर नीचे है आपका नारकंडा। नारकंडा डेफिनेटली मिलेगी हमने भाई। अरे भाई साहब यहाँ पे बर्फ गिरना स्टार्ट होगी भाई, भाई देख लो अगर आप ध्यान से, अगर आपको शीशे में दिख रहा है ना तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई है। बहुत थोड़े थोड़े फ्लेक्स दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको चमकते हुए अगर दिख रहे हो ना, अगर आपको सामने ये सारी की सारी बर्फ है और ये थोड़ी देर पहले ये भी गिरना स्टार्ट हुई है। तो भाई और क्या चाहिए आदमी को, बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई है, इतना ही तो चाहिए था हमें भी कि बर्फ गिरते रहे और हमें मजा आ जाए। तो मतलब पहला स्नो फॉल ही आज मिल गया हमें तो, जबकि अब तक ना हम कुफरी पहुंचे हैं ना नारकंडा, तो वैसे ही बहुत दूर है। और भाई नजारे ओ मजा आ जाएगा इसका, मतलब ये शुरुआत तो आगे समझ लो अब क्या होगा आगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे पास पता नहीं, वापस तो 2 मिनट रुके करेंगे, नहीं चलते हैं, चलते हो करेंगे, चलते हैं। अच्छा देखो ये कुफरी पहुंचने से पहले स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, मतलब शुरुआत देख रहे हो ट्रिप की क्या गजब हो रही है। हाँ बढ़िया गिर रहा है भाई, मतलब इस लगा लो ट्रिप की शुरुआत ऐसी हो जाए तो मतलब क्या ही मिलेगा आगे, गजब हैवी है भाई, बिल्कुल बढ़िया वाला है स्नोफॉल। और पूरा पता है बूंदे नहीं गिर रही है, ये फ्लेक्स हैं बढ़िया वाले, नहीं फ्लेक्स तो नहीं है, थोड़ी सी अभी फ्लेक्स गिरने का टाइम है, अभी तो बूंदे लग रही है। क्या ही मजेदार है ये देखो भाई स्नोफॉल, शुरुआत ही ऐसे स्नोफॉल तो क्या चाहिए। ये कहा कीचड़ बना के रस्ते के ऊपर, वैसे आपकी स्मूथ पूरी काम आएगी चिंता ना करो। बढ़िया जिसे कहते हैं मजेदार। चलो जा रे तारे बदराम बलम के पास, वो है ऐसे तू ना समझे रे प्यार, वही जा रे अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, मेरा वो ब्लैक वाइज वाला नहीं हुआ इस टाइम पे, नहीं ब्लैक आइज वाला नहीं हुआ इस टाइम पे सिंपल स्नोफॉल है। मैंने सबसे पहले देखा था श्रीनगर में स्नोफॉल अपने लाइफ में, श्रीनगर में गुलमर्ग में, नहीं सॉरी गुलमर्ग में भी सोनमर्ग में देखा था, जहाँ से वो चोपटा में सोचा काफी बार, लेकिन कभी भी स्नोफॉल ऐसा हुआ नहीं, मैं पहुंचा स्नोफॉल हो गया यहाँ पे। अच्छा
मैंने जैकेट देखा था सबसे पहले लांगजा हमारे रोड पे, हाँ मैं आधे रास्ते चला गया था और मेरे पास टाइम पे भी एक्स्ट्रा ड्राइविंग नहीं थी दूसरी दिल्ली की साइड पे। भाई साहब एक टर्न खाली और ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 10-20 मीटर का था पैच वो, भाई वो भी क्रॉस नहीं होने दिया बैंड किया। मुझे तब समझाया कि साला क्यों खतरनाक होता है गाइस, यार खड़े खड़े घूम रहा है भाई साहब, इतनी भारी गाड़ी, भरी हुई गाड़ी और वो भी। बाकी बोलेरो तो इसीलिए सबसे ज्यादा सक्सेस है कि रियर व्हील है। चाहे मुझे ईंट निकाल के लगानी पड़ी या पत्थर डाल के करना पड़ा, आज आप लाए हो तो फंसाने वाली जगह आज नहीं, पहले भी लाए हो ऐसी बात नहीं है। इससे पहले मैं वहां पे था जब भयंकर स्नोफॉल चल रहा था, क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं 3 दिन से चल रहा था स्नोफॉल तो रुक गया था। लद्दाख जाते हो क्या, कौन सा पड़ता है खतरनाक रोड जॉर्जिला तुम्हारे सामने तो स्नो भाई इस ट्रिप की पहली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है देखो, और ये देख सकते हो मेरे ऊपर भी पहला स्नोफॉल, और ये वहीं पे मिल गया बिल्कुल, ये लगा लो कुफरी में ही मतलब स्टार्ट हो गया बढ़िया वाला। अरे खड़ी गाड़ी सामने और सामने बर्फ ही बर्फ देख लो, स्टार्ट कर दो भाई, ये बर्फ ही बर्फ है पूरी और ये पूरा स्नोफॉल हो रहा है भाई, देख लो देख दिख रही है ना, बाहर टेम्परेचर पहुंच गया 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री अरे क्या बात है भाई, आज तो खत्री साहब का फोन आ गया, काट दिया भाई ने बात करने से पहले ही। तो बढ़िया हो। हेलो रंजीत भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, तो तू सर तू तो सर मत बोल भाई, तू तो तू ही हदी कर रहा है भाई। नहीं कहां भाई, कहां है आप भाई? इस टाइम पे नारकंडा पहुंचने वाला हूं, तुमसे भेंट होगी कल। मैं वही तो बोल रहा था, आए नहीं तो बात है एक्चुअली क्या है, बस स्नो चैन भूल गया भाई पहले ही, और रास्ते में ना यहाँ चंडीगढ़ से पहले रुक गए हम, क्योंकि फिर चैन घर पे किसी को भेज के वो बेचारा ट्रेन से छोड़ने आया, तब जाके हाँ मतलब कल का दिन तो हमारा मतलब आज का दिन तो ऑलमोस्ट खराब ही निकला है, 12 बजे तो वहां से निकले हैं अम्बाला से 12:30 बजे तो। अच्छा हाँ, इसलिए भी नारकंडा रुक जाएंगे, अभी नारकंडा भी और होगा 20 किलोमीटर लपेटे में। गाड़ी तो यार और ट्रेन ट्रेन ढूंढाती है, स्नोचैन कहाँ लगाऊंगा? अरे नहीं स्नोचैन भूल गया था भाई मैं घर पे ही, तो स्नोचैन दोबारा मंगवाई है भाई से वहाँ से घर से। और आप बताओ क्या चल रहा है वहाँ पे, रोड कंडीशन क्या हाल है? सुना है बहुत बुरा हाल है रोड का। फिलहाल तो ठीक था, बीच बीच में आ रहे थे ना पत्थर, फिर वो साफ कर रहे हैं, फिर आ रही गाड़ी मतलब गाड़ियों के साथ साथ ही है ना। हाँ, तो अच्छा ब्लैक है इसको नहीं है कहीं पे भी? ना नहीं कहीं नहीं है। अच्छा, और ये बताओ ये यार ये चितकुल खुला हुआ है क्या? चितकुल खुला है, खुला है बढ़िया, तो कल सुबह पहले चितकुल जाएंगे फिर आएंगे आपके पास। ठीक है भाई, ठीक है। और सुनो दूसरे बंधु का है वो, पर अच्छा है तो घूमना बहुत अच्छी चीज है, एक तो स्ट्रेस फ्री चीज रहता है, आप जैसे भाईचारे जो दोस्ती यारी रहती है तो समझ में आती है, कुछ समझदारी भी बढ़ती है, जो ज्ञान आपके पास है वो दे दिया आपने, एटलीस्ट शेयर किया 5% समझ में आएगा ज्यादा नहीं।
भाई देखो बर्फ ही बर्फ, फुल ऑन बर्फ ही बर्फ। अब जा रहे हैं होटल की तरफ, पानी की बोतल ले ली हमने साथ, बैग टांग रखा है, बाकी सामान आगे चला गया और रूम में जाके बैठूंगा आराम से भाई। अब बड़ी तकलीफ है, और क्यों रुको भाई, पानी की बोतल साथ में पकड़ू अभी शूटिंग अच्छे से हो सके। भाई हालत बुरी है, बहुत ठंड है, जम गए हैं हाथ बिल्कुल, इतने जम गए कि पूछो मत, हिम्मत ही नहीं हो रही। और भाई आगे भी पूरी भयंकर बर्फ है भाई, और रूम मिले वहाँ जाके, रूम्स जहाँ लिखा है, रूम तो आगे पीछे भी थे पर पता नहीं भाई है हमारे साथ, उनको तो पसंद आया तो चलो वहाँ चल लेते हैं भाई। बस गाड़ी का है, गाड़ी सेफ होनी चाहिए, वो देखो बर्फ है पूरी, इसको जाना पड़ेगा, पत्थर और की बर्फ बिल्कुल। ओ भाई साहब ठंड पूछो मत, गाड़ी दिखा रही है माइनस में टेम्परेचर, अरे मैंने वेदर रिपोर्ट चेक करी भाई तो -6, हालत खराब। ओ भाई मेरे पहले था, फिर देखते हैं ये रूम्स, यह दिख नहीं रहा होगा। कौन सा रूम भाई? हाँ उनका रूम कौन सा है? अच्छा रुक दो भाई, क्या नाम है इसका रूम को, इसका गेस्ट हाउस का नाम क्या भाई? स्नो ट्रैक, स्नो ट्रेल, बढ़िया। पार्किंग बनाओ नहीं कम से कम, लोग तभी आएंगे, एक तो चलना पड़ता है, पार्किंग नहीं है, हैं? अच्छा हाँ सबने दबा दी जमीन, यही होता है, सब अपने अपने से दबा लेते हैं दो दो फुट, फिर कहाँ जाएगी, हीटर मिलेगा रूम में हैं? अच्छा अच्छा जी चलो मान लो, और अगर गीजर ऑन नहीं होगा तो पानी कितनी देर में रुक गया, पानी जम गया है।